पुलिस स्टेशन साइबर क्राइम नू, ये बोर्ड देखिए, इस बोर्ड को उखाड़ दिया गया है। इस जगह पर भी जबरदस्त हंगामा हुआ था, भीड़ यहां पर पहुंच गई थी, ये बोर्ड लगा था, इस बोर्ड को तोड़ दिया गया। ये देखिए, ये हरियाणा पुलिस की गाड़ियां हैं, ये देखिए इनके हालात, क्या हालात हैं, ये देखिए। ये पीएस इंडस्ट्रियल सेक्टर 7 जो है मानेसर की गाड़ी है, एसएचओ लिखा हुआ है। इस गाड़ी की आप हालत देखिए। एक और गाड़ी है, ये तो बुरी तरीके से तोड़ दी गई है। ये देखिए, ऐसा लग रहा है जैसे इसे पलट भी दिया गया है। ये एसएचओ पीएस के दौला गुरुग्राम, ये वो गाड़ी है जिसको देखिए क्या हालात है इसके, आप देख सकते हैं, समझा जा सकता है कि क्या मंजर रहा होगा। इस गाड़ी के हालात देखिए, ऐसा लग रहा है जैसे किसी बड़ी गाड़ी से या तो टक्कर मारी गई है या पलट दी गई है। और अब हम आपको आगे लेकर के चलते हैं थाने की तरफ, जो थाना है आगे आपको दिखाते हैं कि क्या हालात यहाँ पे, क्या मंजर रहा होगा सोमवार के दिन का। हम आपको लेकर चलते हैं थाने की तरफ और आपको हम वहां के हालात दिखाते हैं। ये तो आपने देख ही लिया कि किस तरीके से बोर्ड उखाड़ दिया गया, इस बस को देखिए किस तरीके से इस बस को तोड़ा गया है। ये देखिए, चारों तरफ शीशे यहाँ भी बिखरे पड़े हैं, आगे से पीछे से जितने भी शीशे हैं वो तोड़ दिया गया है। जो लोग इसके अंदर रहे होंगे उनके बारे में आसानी से अंदाजा लगाया जा सकता है। यहाँ पर संभल के चलने की जरूरत है क्योंकि जगह जगह शीशे बिखरे हुए हैं, आप इसका अंदाजा लगाइए। ये देखिए, ये गाड़ियां देखिए, ये एक दो तीन चार, इन गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया है पूरी तरीके से। ये गाड़ियां ऐसा लग रहा है कि जब जली तो अपने आप ही आग बुझी, बुझाने की मतलब वक्त ही नहीं मिला। क्या हालात है इन गाड़ियों के, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या मंजर रहा होगा जब भीड़ ने यहां पर हमला किया होगा। और ये देखिए, गेट के पास आपको ये पत्थर तमाम मिलेंगे, दरअसल पत्थरबाजी की गई थी। आप ये अंदर की तरफ हम अगर आपको लेके चले, ये देखिए हम आपको थाने के अंदर लेके आते हैं। ये साइबर क्राइम थाना है और अंदर पत्थर देखिए, ये पूरी पत्थर देखिए, जगह जगह आपको पत्थर मिलेंगे। ये पत्थरबाजी की गई थी, बाहर से जबरदस्त पत्थरबाजी की गई थी और थाने के अंदर आप देखिए क्या हालत है। वो बस वहां आके शायद उसने बचाने की कोशिश की और ये बस दीवार से लड़ी और ये पूरी दीवार देखिए, ये टूट चुकी है थाने की दीवार। और उसके बाद अंदर कितनी जबरदस्त तरीके से यहां पर पत्थरबाजी की गई है। ये कार शायद अंदर खड़ी थी, इस कार के भी शीशे तोड़ दिए गए हैं। आप देखिए इस कार के हालात देखिए, अंदर पुलिस की वर्दी टंगी हुई है, इसके शीशे तोड़ दिए गए हैं। ये दूसरी कार देखिए, ये थाने के अंदर की स्थिति है, इसके शीशे तोड़ दिए गए हैं। ये पत्थर देखिए, ये कार जो खड़ी है इसके शीशे तोड़ दिए गए, मैस भी तोड़ दिया। मैस भी, कब की बात है? कल की बात है। कितने बजे? कल कम से कम 1:30 बजे से 1:30-2 बजे। 1:30 बजे से कितने लोगों ने हमला किया? ये कम से कम 1000-1 लोग है जो हमले भरे हर कोने पे। और उनके पास क्या क्या रहा? उनके पास हर चीज ही, जैसे कागर, लाठी डंडा, पत्थर और कुछ रुपया असला भी था। असला भी था कुछ पे। ये बस आके टकराई है तब भी? ये तो पता नहीं, मैं अड़बड़ चौक पे था जहाँ से आए थे, बाद में पता चली उन्होंने ये सामने टक्कर भी मारी थी। इस गेट में गेट तो नहीं टूटा, फिर ये दीवार तोड़ दी। गेट नहीं टूटा लेकिन दीवार तोड़ दी। और ये अंदर इतनी गाड़ियां जो है ये टूटी, क्या भीड़ अंदर भी घुस गई? भीड़ अंदर आई थी। तो अभी थाने में तो कोई खास लोग दिख नहीं रहे मुझे, तो आप अकेले हो? नहीं, थाने में सभी हैं, अभी अंदर हैं, जैसे अपना बैठे हैं। अच्छा, अंदर ही हाँ। उस वक्त कितने लोग थाने में थे जब हमला हुआ? ये मैं नहीं था यहाँ पर जब, क्योंकि मेरी अलवर चौक पे पुराना से आ रहा था मैं। अच्छा, अलवर चौक पुराना से आ रहे थे। पुराना, तो वहाँ रास्ते में क्या हालत? रास्ते में बहुत ही, यहाँ रास्ता बंद था, बड़गली चौक भी बंद था, अड़वर चौक भी बंद था, इस तरफ भी जो भी है रोड भी बंद था, तावड़ू रोड भी बंद था। आपको क्या दिखाने के लिए कह रहे थे? मैं कि मैस वगैरह ये छत वगैरह सब तोड़ दीजिए थाने की। पत्थर, ये देखो, ये दिखाइए लोकेंद्र आप, ये देखिए छत पूरी तरीके से, ये पत्थरबाजी टूट गई है। और आगे हम चलते हैं मेस, पीछे जो मेस का इलाका है, ओहो ये देखिए, ये इलाका है, ये देखिए, ये पूरी छत देखिए, ये यहाँ पर भीड़ अंदर घुस गई, अंदर छह रोड पे से दीवारों पे थी, दीवारों पर थी, चारों तरफ, चारों तरफ, यानी ये जो चारों तरफ है, चारों तरफ से थाना। हाँ, तो जो लोग होंगे वो तो घबरा गए, गोलियां भी चल रही, गोलियां ना आपने तो नहीं ली, पर उन्होंने काफी पथराव, लाठी डंडा सब चीज का इस्तेमाल किया और इस बस से भी टक्कर मारी है दीवारों में।
ये बस ले आके दीवार में टक्कर मारी ताकि ये अंदर आने के लिए, अंदर आने के लिए। ये देखिए तो ये बस जो है, जो सामने आपको नजर आ रही है, बताया जा रहा है कि इस बस को टक्कर मारी गई दीवार पर। हाँ, गेट की दीवार जो वो उसमें दरार आ गई सारे में। अच्छा, हाँ, गेट दीवार में दरार आ गई। हाँ, गेट की दरार, फिर ये तोड़ा था। गेट तो नहीं तोड़ पाए, लेकिन इसमें देखिए किस तरीके से दरार आ गई। और उसके बाद ये बस ले आकर के ये यहाँ पर लड़ाई गई ताकि इस दीवार को तोड़ा जाए, और वो टूट भी गई। तो उसके बाद भीड़ ने क्या किया, कैसे हटी भीड़, पीछे कैसे गई? भीड़ ने काफी नुकसान किया है भीड़, फिर पुलिस आई है, जैसे पता चली है कि साइबर थाना घेर लिया है। हाँ, जैसे जैसे मुलाजिम, फिर वो भागना चालू हो गए, फिर इसमें क्या तावड़ी मोई रोड पे खड़े हो गए, कुछ होडल रोड पे खड़ा हो गए। और अगर फोर्स आने में टाइम लग जाता तो कुछ भी हो सकता था। हाँ, कुछ भी हो सकता था जी, वो तो टाइम पे फोर्स आई है, कुछ मुलाजिमों को चोट भी है। और ये बाहर जो गाड़ियां खड़ी हैं वो भी आप ही लोगों की होंगी, और पुलिस के ही लोगों की? सर है, सर इनको पता है। ये बाहर जो गाड़ियां खड़ी हैं वो किसकी, आप ही लोग, पुलिस की है? हमारी है। आप लोगों की है, सारी यहीं खड़ी थी, यहीं आग के हवाले कर दी गई। हाँ, और ये अंदर गाड़ियों की भी है? अंदर भी, भीतर इन्होंने दीवार तोड़ के वो अंदर बढ़ गए है और पथरा हो गया पूरा। कितने पुलिस वालों को चोट आई होगी जो इस वक्त, उस वक्त थाने में आप थे? नहीं, हम थे, हमारी ड्यूटी लग रही थी बाहर। अच्छा, यहाँ पे कितने लोग रहे? यहाँ पे ज्यादा तीन चार बंदे थे बस, और उन्होंने भीतर बच के अपनी जान बचाई, उन्होंने भीतर बच के किसी तरह जान बचाई, वो फायरिंग करी है, जब बचे नहीं तो गोली चलाई, गोली से तब कहीं जाकर के बचा है, हवा में फायर करके जब गोली से बचाव करा है। खुद को बचाने के लिए हवा में, मतलब भीड़ को पीछे ढकेलने के लिए गोली चलाई। और पत्थर भी कैसे, ये देखिए ये ईंट है और ये देखिए ये कंक्रीट का है, ये अगर किसी को लग जाए तो अंदाजा लगाया जा सकता है। इस पत्थर को देखिए, ये पत्थर अगर किसी के सर पे लग जाए तो उसका अंजाम क्या होगा, ये आसानी से समझा जा सकता है। दीवार तोड़ करके थाने के अंदर घुसना, यानी भीड़ बेहद सुनियोजित तरीके से आगे बढ़ रही थी, थाने को घेरा गया, मेस को तोड़ दिया गया, अंदर जबरदस्त तरीके से पत्थरबाजी की गई, अंदर मौजूद गाड़ियों को तोड़ा गया, बाहर जो गाड़ियां खड़ी थी उन्हें आग के हवाले कर दिया गया। अब देखना ये होगा कि इस मामले में हरियाणा पुलिस किस तरीके से कार्रवाई करती है और कब तक इस हंगामे के जो असल गुनहगार हैं उनको सलाखों के पीछे भेजती है। क्या नाम है, लोकेंद्र पांडे के साथ हिमांशु मिश्रा, नूह के साइबर थाने से।